हे गाइस वेलकम टू रेसलिंग ऑन। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे जॉन सीना ने किया ऐसा काम जिसे देखकर आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और मिस्ट्री हैकर का WWE में अभी फिलहाल क्या स्टेटस है उस पर आई एक बड़ी अपडेट। और गाइस साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या कुछ आपको कल देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिस्ट्री हैकर से। तो गाइस हम सब जानते हैं पिछले कुछ स्मैकडाउन के एपिसोड से हमें मिस्ट्री हैकर के बारे में उतना कुछ नहीं बताया जा रहा जितना पहले बताया जा रहा था, लेकिन गाइस ट्विटर पर इस मिस्ट्री हैकर ने काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा दिया है। और रिसेंटली इस मिस्ट्री हैकर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लोकेशन के, वो काफ़ी ज़्यादा बदल रहे हैं और फिर से बदल चुके हैं। जहाँ पर अभी जो लोकेशन बताई जा रही है कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक, वो है WWE के हेडक्वार्टर्स की, स्टैमफर्ड की। और गाइस इस साल का मनी इन द बैंक होने वाला है स्टैमफर्ड में, और ऐसा लिंक किया जा रहा है कि हो सकता है मनी इन द बैंक में हमें मिस्ट्री हैकर देखने को मिल जाए। और काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मनी इन द बैंक में इस मिस्ट्री हैकर की मिस्ट्री से हमें पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा और पता चलेगा कि असल में इसके पीछे कौन है। गाइस अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा नाम्स आ रहे हैं जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे कि मुस्तफ़ा अली हैं, शॉर्टी जी हैं, जेवियर वुड्स का भी नाम सामने आ रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मनी इन द बैंक में ये मिस्ट्री आकर क्या करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है WWE इन सारी चीज़ों को और भी घसीट दे। तो गाइस चलते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है गाइस जॉन सीना से। तो गाइस आप सब जानते ही हैं जॉन सीना मेक ए विश फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और करंटली जॉन सीना रिकॉर्ड होल्ड करते हैं सबसे ज़्यादा विश पूरी करने का। और गाइस रिसेंटली जॉन सीना ने कुछ ऐसा ही किया जिसे देखकर आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। और गाइस वो काम जॉन सीना ने ये किया है, रिसेंटली वो अपने एक फ़ैन के पास गए थे जो कि गाइस सिर्फ 7 साल का है, जिसका नाम है विलियम कैस्टल। और गाइस वो फ़ैन जूझ रहा है एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी से जिसका नाम है कैंसर, और एक चाइल्डहुड कैंसर हो चुका है इस फैन को। और गाइस जॉन सीना उस फैन के पास गए, पूरे ग्लव्स और मास्क वगैरह लगाकर पूरे सेफ्टी का ध्यान भी रखा उन्होंने, और वहाँ पर उस फैन को उन्होंने मर्चेंडाइज और टाइटल बेल्ट्स भी दिए, जिसे देखकर वो फ़ैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। और आप इन फोटोज़ और वीडियो में देख सकते हैं उस फैन का रिएक्शन जॉन सीना के आने के बाद। तो देखकर काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि जॉन सीना इस सिचुएशन में भी फैंस की अपनी मदद कर रहे हैं और उन्हें खुश करने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इसे देखकर जॉन सीना के लिए मन में और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वेल गाइस इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस बढ़ते अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है कल होने वाले मंडे नाइट रॉ से। तो गाइस ये रॉ का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये रॉ का एपिसोड मनी इन द बैंक से लास्ट एपिसोड होगा। तो गाइस जल्दी से मैं बता देता हूँ जो मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। तो गाइस ये मैच होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच। और गाइस इस मैच में अगर वाइकिंग रेडर्स जीतते हैं तो पॉसिबली हो सकता है इन दोनों के बीच हमें फिर से मैच देखने को मिले एट मनी इन द बैंक, और वो मैच होगा टाइटल्स के लिए। फिलहाल ये मैच टाइटल के बगैर ही होने वाला है, और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर कौन जीतने वाला है। उसके अलावा अगर गाइस हम बात करें नेक्स्ट बड़ी थिंग की, गाइस आपको देखने को मिल सकती है नया जैक्स आस्का और शेना बिजलर के बीच। जैसा कि हमने लास्ट वीक देखा था नया जैक्स ने दोनों को धो दिया था, तो इस वीक हो सकता है नया जैक्स से बदला लें आस्का और शेना बिजलर। उसके अलावा गाइस जो बड़ी थिंग एक और है वो है गाइस ड्रू मैकइंटायर वैसे बड़ी मर्फी का मैच। जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा था बड़ी मर्फी बचाने आए थे सेथ रॉलिंस को, तो गाइस यहाँ पर हो सकता है आपको सेथ रॉलिंस की भी इंटरफेरेंस देखने को मिले, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि ड्रू मैकइंटायर मर्फी को यहाँ पर हरा देंगे और एक स्टेटमेंट जारी करेंगे अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। उसके बाद जो गाइस मेन हाईलाइट है पूरे शो की, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है गाइस गॉन्टलेट मैच 2 अनाउंस हो चुका है, लेकिन इसके पार्टिसिपेंट्स अनाउंस नहीं हुए, लेकिन गाइस WWE से प्रमोट कर रही है लास्ट चांस फॉर मनी इन द बैंक। तो गाइस यहाँ पर हो सकता है आपको MVP, ऑस्टिन थ्योरी, एंजल गार्जा और यूनाइटेड स्टेट चैंपियन अंद्रादे देखने को मिले। उसके अलावा गाइस जिंदर महाल भी इस मैच में आ सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीक देखा था जिंदर महाल ने अपने रिटर्न किया, और यहाँ पर हो सकता है वो इस मैच में एंटर करे और पॉसिबली इस मैच को जीत भी सकते हैं। लेकिन गाइस जो बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स की तरफ से। वो गाइस रेसलमेनिया के बाद यहाँ पर अपना रिटर्न करेंगे, और गाइस पॉसिबली अगर वो भी इस मैच में आते हैं तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस मैच को जीतकर वो अपनी जगह बना ले मेंस लैडर मैच के लिए। वेल गाइस ये सब तो हमें रॉक एपिसोड में देखने को मिलेगा जो कि कल होने वाला है। और गाइस आपको 9 बजे के आसपास या फिर 10:30 बजे तक चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। एंड गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक किया बना तो कहीं मजा आना, और कमेंट्स करके आप मुझे बताना कि आप एक्साइटेड हो कल होने वाली रॉ के लिए, और जॉन सीना ने जो काम किया उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE और प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बात जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।